कूड़ा कचरा के साथ मैं सदानंद पाल। लॉकडाउन में कोरोना के आतंक से स्वयं को बचते हुए एकांतवास हो चुका हूं। तभी तो गणित की दुनिया के आतंकित संख्या या अब तो इसे कोरोनाइट संख्याएं, कोरोनाइट नंबर्स भी कह सकते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स निकालने के नवीन सूत्र, न्यू फॉर्मूला की खोज मैंने यानी सदानंद पाल ने कर लिया है। ज्ञात हो संपूर्ण गणितीय संसार अभाज्य संख्याओं से सुपरिचित भी है तो इनमें उलझने के कारण दुह परिचित भी है। यह तो तयशुदा सच है कि अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, किंतु दो को छोड़कर, क्योंकि दो एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम है, वहीं सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती। कूड़ा कचरा के इस अंक में अभाज्य संख्याओं से अभाज्य संख्याएं निकालने का बिल्कुल टटका फॉर्मूला आज मैं आप सबको सुनाऊंगा। मेरे द्वारा इजाद किए गए फॉर्मूला यानी अभाज्य संख्याओं से ही अभाज्य संख्याओं को जानने व निकालने को लेकर है। यह लॉकडाउन की उपलब्धि कही जा सकती है। लेखन और गणित के प्रति मेरी रुचि है। अगर लेखन के कारण लेखक कहला सकते हैं तो गणितीय अन्वेषण के कारण गणितज्ञ क्यों नहीं कहला सकता हूँ। वैसे भी डॉक्टर गुणाकर मूले ने मुझे हिंदी का प्रथम गणितज्ञ कहा है, गणित अन्वेषक कहा है। आइए अभाज्य संख्या जानने या आगामी अभाज्य संख्या जानने के लिए मैंने जो कुछ प्रमेयों थ्योरम को तलाशा है वह सूत्रबद्ध है। यथा कंडिका एक, प्रथम से लेकर सभी क्रमिक संख्याओं यानी कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स को आपस में गुणा करते हैं। जहां तक के लिए अभाज्य संख्याओं को जानना चाहते हैं किंतु अंक पांच को इस गुणन में शामिल नहीं करते हैं, याद रहे प्रथम अभाज्य संख्या दो अंक है। यथा दो गुना तीन, दो गुना तीन गुना सात, दो गुना तीन गुना सात गुना ग्यारह, दो गुना तीन गुना सात गुना ग्यारह गुना तेरह, दो गुना तीन गुना सात गुना ग्यारह गुना तेरह गुना सत्रह, दो गुना तीन गुना सात गुना ग्यारह गुना तेरह गुना सत्रह गुना उन्नीस। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। कंडिका दो, कंडिका एक को लेकर प्राप्त गुणनफल में एक जोड़ते हैं तो यह अभाज्य संख्या के रूप में प्राप्त होती है। यथा दो गुना तीन बराबर छः, अब इनमें एक जोड़ते हैं तो सात प्राप्त होती है। यह सात अभाज्य संख्या है। कंडिका एक के अन्य उदाहरण से यानी दो गुना तीन गुना सात बराबर बयालीस, इनमें एक जोड़ते हैं तो तैतालीस प्राप्त होती है। यह अभाज्य संख्या है। दो गुना तीन गुना सात गुना ग्यारह बराबर चार सौ बासठ, इनमें एक जोड़ते हैं तो चार सौ तिरसठ प्राप्त होती है, जो अभाज्य संख्या है। उसी तरह से अन्य क्रम हम चलाते हैं, जैसे दो गुना तीन गुना सात गुना ग्यारह गुना तेरह, दो गुना तीन गुना सात गुना ग्यारह गुना तेरह गुना सत्रह, दो गुना तीन गुना सात गुना ग्यारह गुना तेरह गुना सत्रह गुना उन्नीस, यानी क्रमशः छ हजार छ, एक शून्य दो एक शून्य दो, एक नौ तीन नौ नौ तीन आठ प्राप्त होते हैं। अब 6006 में एक जोड़ते हैं तो 6007 होती है, जो अभाज्य संख्या है। एक शून्य दो एक शून्य दो में एक जोड़ते हैं तो एक शून्य दो एक शून्य तीन प्राप्त होते हैं, जो अभाज्य संख्या है। एक नौ तीन नौ नौ तीन आठ में एक जोड़ते हैं तो एक नौ तीन नौ नौ तीन नौ अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। कंडिका तीन, कंडिका दो को लेकर गुणनफल में एक जोड़ने पर परिणामी संख्या का इकाई अंक अगर शून्य पाँच
या सम संख्या आए तो यह सीरीज अभाज्य संख्या नहीं होंगे। इसलिए इस तरह के सीरीज को छोड़कर आगामी सीरीज में आएंगे, किंतु क्रमिक अभाज्य संख्याओं के गुणन में किसी भी क्रमिक अभाज्य संख्याओं को गुणा करने से वंचित नहीं करेंगे, यथा 2 × 3 × 7 × 11 × 17 × 19 × 23 = 4461 8574। अब इस संख्या में 1 जोड़ते हैं तो 4461 8575 प्राप्त होती है। अब हम इस सूत्र पर जाते हैं कि इनके इकाई अंक में 5 है जो विभाजित होती है, इसलिए भाज्य संख्या होंगे। अब चूंकि अभाज्य संख्या 23 के कारण, यानी 23 से मतलब यह है कि 2 × 3 × 7 × 11 × 13 × 17 × 19 × 23 यह क्रमिक 23 तक अभाज्य संख्याओं के कारण गुणनफल और योगफल से जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या भाज्य होने के बावजूद हम अगले चरण सीरीज के लिए 23 नामक अभाज्य संख्या का उपयोग निश्चित ही करेंगे, उसे त्यागेंगे नहीं। यथा अब 29वां हम अभाज्य 29 अभाज्य संख्या पर जाते हैं। 29 अभाज्य संख्या पर कैसे जाएंगे तो यह मैं बता रहा हूं। 2 × 3 × 7 × 11 × 13 × 17 × 19 × 23 × 29 इनसे गुणनफल से प्राप्त संख्या होती है 1 2 9 3 9 3 8 6 4 6। अब इनमें जोड़ 1 करते हैं तो 1 2 9 3 9 3 8 6 4 7 अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। अब कंडिका 4, इस तरह के सीरीज के सभी गुणनफल भाज्य संख्या होंगे, किंतु अभी तक मैंने जो कंडिकाओं में कहा उनमें उद्धृत शर्त अनुसार गुणनफल में 1 जोड़ करके अभाज्य संख्या तलाशेंगे, यथा 2 × 3 × 7 × 11 × 13 × 17 × 19 × 23 × 29 × 31। ये मिलकर जो संख्या प्राप्त होती है वह है 4011209826। अब इनमें 1 जोड़ते हैं तो यह प्राप्त होती है 4011209827, और यह अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर्स है, शॉर्ट में इसको कहा जाए तो PN है। अब 2 × 3 × 7 × 11 × 13 × 17 × 19 × 23 × 29 × 31 × 37 = 1 4 8 4 1 4 7 6 2 6 9 6 2। जोर इसमें 1 करते हैं तो 1 4 8 4 1 4 7 6 2 6 9 6 3 प्राप्त होती है, जो PN है यानी प्राइम नंबर्स है यानी अभाज्य संख्या है। अब कंडिका 5, कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं इसे जानने के लिए सबसे पहले उस संख्या का वर्गमूल निकाल लीजिए। प्राप्त वर्गमूल संख्या में से अगर दशमलव के बाद अंक हो तो उसे उपयोग में नहीं लाते हैं, अपितु दशमलव से पहले जो संख्या आती है उस संख्या में 1 जोड़ते तथा उससे प्राप्त संख्या सहित उनके नीचे की तमाम संख्याओं से भाज्य करने का प्रयास करते हैं। ज्ञात हो सम संख्या तथा 0 और 5 इकाई अंक वाली संख्या स्वाभाविक है या भाज्य होंगे। इसे छोड़कर अन्य सभी संख्याओं या अंकों से कटाने का प्रयास करेंगे, नहीं विभाजित होते हैं तो ये संख्या अभाज्य होंगे। यथा 37 का वर्गमूल 6.08276253 03 में 6 को रखते हैं, फिर 6 में 1 जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त होता है। अब 7 सहित उनके नीचे 1 2 3 4 5 6 और 7 इन अंकों से 37 को विभाजित करने का प्रयास करते हैं, जो कि किसी से नहीं करते हैं। विदित हो 37 सम संख्या भी नहीं है, इसलिए नियमानुकूल 1 2 4 5 6 से 37 को नहीं कटाते हैं। यह काम आसान के लिए है।
123 का वर्गमूल 11.09053650604 में 11 रखते हैं और दशमलव के बाद 09053650604 को छोड़ देते हैं, फिर 11 में 1 जोड़ते हैं जो कि 12 प्राप्त होता है। अब 12 सहित उनके नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इन अंकों से 1 2 3 को विभाजित करने का प्रयास करते हैं जो कि 3 से कट जाते हैं। हमारी हल का फॉर्मूला के लिए हम 1 2 3 सम संख्या नहीं है, इसलिए नियमानुकूल 1 2 4 5 6 8 10 12 से 123 को नहीं कटाते हैं। यह काम आसान के लिए भी है। अब कंडिका 6 जो अंतिम कंडिका है अभाज्य संख्याओं से अभाज्य संख्या निकालने के सूत्र का, जो मेरे द्वारा इजाद किया गया है, उनमें यह मैंने रखा है कि अपवादिक स्थितियां कंडिकाओं के साथ आबद्ध हो न्यू पीएन यानी न्यू प्राइम नंबर्स के लिए नियम और शर्त यथा प्रसंग से सम्मिलित की जाएगी। कूड़ा कचरा के इस अंक के साथ मैं सदानंद पाल, कवित्री स्वर्णता विश्वफूल जो कूड़ा कचरा की कन्वेनर हैं, के साथ हम अभाज्य संख्याओं से अभाज्य संख्या जानने के सूत्रबद्ध फॉर्मूला को जो अब तक सुनाए, और इसके साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कूड़ा कचरा के इस अंक अर्थात कूड़ा कचरा को। धन्यवाद।